हर हर महादेव। दर्शकों जय महाकाल। पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व आ रहा है। ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। इस उपाय से आपकी जो भी मनोकामना होंगी, चाहे वो धन संपदा से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत रहता है, अब परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आप ये उपाय एकादशी को जरूर करिए। ये उपाय गुरु जी की कथा से सुनकर ही हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस उपाय में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक लोटा जल लेना है। और एक चुटकी हल्दी और एक लोटा जल लेकर आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। अपना जो मुंह है आप पूर्व दिशा की तरफ रखिए। ध्यान रखना है कि आपको अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना है। और एक चुटकी जो हल्दी आप लेकर गए हैं वो आंवले के वृक्ष के नीचे आपको अपनी मनोकामना बाबा से विनती करते हुए वो आपको वहाँ चढ़ा देनी है, रख देनी है। उसके बाद जो एक लोटा आप जल लेकर गए हैं उसे आप उसी हल्दी के ऊपर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके उसी हल्दी के ऊपर वो जल चढ़ाते जाइए और हरि हर महादेव के नाम का आप स्मरण करते रहिए। ध्यान रखिए कौन से नाम का आपको स्मरण करना है, हरि हर महादेव के नाम का आपको स्मरण करना है। और आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आपको बाबा से विनती करनी है। आप एकादशी के दिन आप किसी भी टाइम ये उपाय कर सकते हैं। आप 3-4 एकादशी उपाय कर पाएंगे, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बाबा जरूर पूरी करेंगे। देखिएगा पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप ये उपाय कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।